दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 भी कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, काफी आसान है, फिर भी देखते हैं। चलो आज पढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2। क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो पहले भी हम इंट्रोडक्शन 5.1 भी पढ़ाया था, और उससे पहले एक इंट्रोडक्शन क्लास भी लिए थे, और जब मैं 5.1 पढ़ा रहा था तो उसमें भी मैंने इंट्रोडक्शन को इंक्लूड करते हुए मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो अभी 5.2 है, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। 5.2 में मान लो कि कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कोई भी सीरीज है अर्थमेटिक में, मान लो कि ये सीरीज है 5, 10, 15, 20, 25। देखो क्योंकि 5.1 पढ़ चुके हैं तो इसमें काफी चीजों से हम अवगत हो चुके हैं। तो देखो ये जो हमारा टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ये क्या है? फर्स्ट टर्म है, टर्म नंबर फर्स्ट, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट ये वन को क्या बोल दिए? फर्स्ट बोल दिए। तो ये फर्स्ट टर्म, इसको हम ए से भी लिखते हैं, ठीक है, इसको हम ए से भी लिखते हैं। हम इसको ए वन लिख सकते हैं, इसको ए टू लिख सकते हैं, इसको ए थ्री लिख सकते हैं, इसको ए फोर लिख सकते हैं, इसको ए फाइव लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम ए वन भी लिख सकते हैं, सेकंड टर्म ये जो टेन है सेकंड टर्म है, इसको ए टू भी लिख सकते हैं, टी टू नहीं लिख के ए टू भी लिख सकते हैं। ये क्या थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म इसको ए थ्री लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा फोर्थ टर्म, इसको ए फोर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म, तो इसको ए फाइव भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें पता था कि जो फर्स्ट ये जो है पहला वाला जहां से शुरुआत होती है सीरीज की, तो ये जो पहला टर्म है इसको हम क्या किससे लिखते हैं? ए से लिख देते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में जो डिफरेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जस्ट एक अगला और जस्ट एक पिछले वाले के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यानी कि 15 और उसके पीछे वाला कितना है? 10 है, तो दोनों का डिफरेंस कितने का? 5 का है, तो डी क्या हो जाएगा? 5। यहाँ भी डी कितना हो जाएगा? 5। यहाँ भी देखो ये 15 के अगला वाला टर्म क्या है? 20, और 20 के पिछला वाला टर्म 15, इन दोनों के बीच में कितने डिफरेंस है? 5 है। यदि ये डिफरेंस कंटिन्यू सेम रहे, यदि ये डिफरेंस अगला टर्म और पिछले टर्म दोनों के बीच का डिफरेंस हर जगह सेम रहे, तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। इसको डी से लिख देते हैं, और ये कितना है इसमें, इस सीरीज में 5-5 का डिफरेंसेस है, 5 और 5 10, 10 में 5 ऐड करेंगे 15, 15 में 5 ऐड करेंगे 20, और 20 में 5 ऐड करेंगे तो 25। तो ये चूंकि सब में 5-5 का डिफरेंस है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सब में डिफरेंस कितने की है? 5-5 की, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि डिफरेंस सेम हो तब ये इस सीरीज को, ये जो सीरीज है 5, 10, 15, 20, 25, इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये सीरीज किसमें है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से लिखते हैं। अब देखो इसमें ये पहला टर्म है, ये क्या इस सीरीज अगर यहीं पे खत्म हो जाती है, ये सीरीज 5, 10, 15, 20, 25, ये 25 पे जाके खत्म हो जाता है, तो देखो इसमें 25 ये लास्ट टर्म हो जाएगा ना, इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या लिखते हैं? लास्ट टर्म। और इसको हम किससे लिखते हैं? एल से,
ये लास्ट टर्म क्या है हमारा टी एन है, टी एन है, हमें पता नहीं है कितने नंबर पर, एक दो तीन चार पांच, पांचवे नंबर पर इसको टी टी फाइव लिख देंगे, फाइव टर्म, फिफ्थ टर्म है, ठीक है। अगर पता नहीं हो कितने नंबर पे है तो इसको हम टी एन लिख देंगे, ठीक है, एन में नंबर पे मान लेते हैं, ठीक है। एन क्या नेचुरल नंबर, काउंटिंग करेंगे तो कितने नंबर पे हमने काउंट नहीं कर पाते, अगर मान लो बहुत ज्यादा टर्म हो काउंट नहीं कर पाएंगे तो इसको हम टी एन लिख देंगे। तो इसी टी एन को हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, टी एन को क्या लिखेंगे, एल, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ही क्या है टी एन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो अब हम चलते हैं, सीरीज ये है, ये देखो ये हमारा क्या है ए है, सीरीज हमारा क्या था 5 10 15 20 25, ये हमारा सीरीज था, ठीक है। इसमें हमारा ए कितना है, ये ए है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, ठीक है। तो डी कितना है भाई, 5 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5। और यहाँ पर देखो ये क्या है हमारा लास्ट टर्म है, क्या है लास्ट टर्म है, पता चल गया। अब देखो हमें ए पता हो, ए यदि हमें पता हो और डी पता हो, कितने का डिफरेंस रखना है ये पता हो, तो हमारा आराम से ये सीरीज मिल सकता है, क्यों, क्योंकि ये ए हमारा कितना पता है, ए हमारा 5 है, तो 5 और इसमें प्लस कर देंगे ये डी, 5 में डी प्लस कर देंगे, डिफरेंस कितने का डिफरेंस रखना है 5 का, तो हमें अगला टर्म मिल जाएगा, अगला टर्म मिल गया ना 10, 5 + 5 10, इस अगले वाले टर्म में फिर डी ऐड कर देंगे तो हमें अगला वाला टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो 10 + 5 कितना हो जाएगा 15। तो देखो यहां से फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारा 5 है, हमें सेकंड टर्म मिलना, सेकंड टर्म लाने के लिए क्या करना पड़ा, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड कर दिए, ठीक है, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड कर दिए तो सेकंड टर्म मिला, फर्स्ट टर्म में एक डिफरेंस को ऐड किए तो सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म में हम एक डिफरेंस को ऐड किए तो थर्ड टर्म मिल गया, हमें मिल गया ना थर्ड टर्म। अब यहां पे एक चीज देखो, फर्स्ट टर्म में कुछ भी ऐड नहीं किए, फर्स्ट टर्म प्राप्त करने के लिए फर्स्ट टर्म ही मुझे मिलना चाहिए, फर्स्ट टर्म तो 5 ही है, इसमें कुछ भी एडेड नहीं है, फर्स्ट टर्म में जैसे ही डिफरेंस ऐड कर देंगे एक डिफरेंस तो क्या मिल जाएगा, सेकंड टर्म मिल जाएगा, ठीक है, और सेकंड टर्म में फिर डिफरेंस ऐड कर दिए कॉमन डिफरेंस तो मिल जाएगा थर्ड टर्म। अब मान लो ये फर्स्ट टर्म हमारा है और ये हमारा थर्ड टर्म है, तो देखो फर्स्ट से थर्ड तक पहुंचने में कितने बार डिफरेंस ऐड करना पड़ा, एक बार यहाँ ये डिफरेंस है और एक बार यहाँ ये डिफरेंस है, तो कितने बार ऐड करना पड़ा, 2 बार ऐड करना पड़ा, फिर यहाँ से थर्ड टर्म में फिर डिफरेंस ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये फोर्थ टर्म 20 मिल जाएगा। अब देखो फर्स्ट टर्म से फोर्थ टर्म जाने में यहाँ पे कितने डी ऐड करना पड़ा था, ये क्या हमारा डी है, फर्स्ट से फोर्थ पहुंचने में, फर्स्ट से फोर्थ पहुंचने में हमें कितने बार डी ऐड करना पड़ा, 1 2 3 3 बार 3D ऐड करना पड़ रहा है, यानी A1 में 3 बार D, 1 2 3, ठीक है। देखो यहां से सेकंड टर्म प्राप्त करने के लिए कितने ऐड किए थे, सेकंड टर्म हमारा 10 था ना, 10 लाने के लिए हमें 1D ऐड करना पड़ा था, ये देखो थर्ड टर्म प्राप्त करने के लिए हमें कितने 1 और 2 2D प्राप्त 2D ऐड करना पड़ा था, किसमें, फर्स्ट में, और ये जो हमारा फोर्थ टर्म 20 है इसमें ये प्राप्त करने के लिए कितने डी प्राप्त ऐड करना पड़ रहा है, 1 2 3 डी, ठीक है 3D। इसी तरह से यहाँ ये मिल इसमें फिर 5 ऐड कर देंगे डिफरेंस तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, कितना 25। अब देखो यहाँ से फर्स्ट टर्म से यहाँ तक आने में, फिफ्थ टर्म तक आने में कितने डी ऐड करना पड़ा भाई, ए में 5 में 4D, यहाँ पे कितने, यहाँ पे ए में कितने ऐड करना पड़ा 3D, और यहाँ पे तीसरे टर्म तक आने में A+ 2D, और यहाँ पे सेकंड टर्म तक आने में
यहां से यहां तक आने में a प्लस वन डी, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सेकंड टर्म प्राप्त करना हो तो a प्लस वन डी प्राप्त, यानी कि सेकंड टर्म प्राप्त करना हो यानी कि दूसरा टर्म प्राप्त करने के लिए एक डी एड करते हैं वन डी, तीसरे टर्म प्राप्त करने के लिए टू डी एड करते हैं a में, चौथे टर्म प्राप्त करने के लिए 3d ऐड करते हैं। देख रहे हैं जितना टर्म प्राप्त करना हो, जितना टर्म प्राप्त करना उसे एक कम d। यहाँ पे ये थर्ड टर्म है, ये क्या है a3 है, थर्ड टर्म प्राप्त करने के लिए कितने d ऐड करना पड़ रहा है, एक इससे एक कम। और ये सेकंड टर्म है, ये क्या है सेकंड टर्म है a2, तो a2 प्राप्त करने के लिए a प्लस d यानी एक ही d ऐड करना पड़ रहा है। यहाँ देखो ये फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म प्राप्त करने के लिए फिफ्थ टर्म प्राप्त करने के लिए कितने डी ऐड करना पड़ रहा है, फोर डी। अगर कहेगा तुम्हें कि फिफ्टी टर्म प्राप्त करो, फिफ्टींथ टर्म, तो ये फिफ्टी टर्म प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए मालूम हो तो ए प्लस फोर्टी नाइन डी ऐड करेंगे ना, ए प्लस फोर्टी नाइन डी, तो हमें फिफ्टी नंबर टर्म मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। कहेगा हंड्रेड टर्म प्राप्त करो, सेंचुरी में टर्म प्राप्त करो, तो ये क्या करना पड़ेगा, ए प्लस ये हंड्रेड है ना, नाइनटीन डी। अब समझ में आ गया। अगर कहेगा हमें कि एनवा टर्म प्राप्त करो, इससे एक कम डी, इससे एक कम डी, एनवा टर्म प्राप्त करना था, एन से एक कम डी ऐड करना पड़ेगा ना, तो ए प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस इससे एक कम एन से, एन माइनस वन, एन से एक कम हो गया ना, एन में से एक घटा दिए और कितने डी, एन माइनस वन डी ऐड करना पड़ेगा। एनमा टर्म प्राप्त करने के लिए हमें ए में कौन सी कितने डी ऐड करना पड़ेगा, इससे एक कम, एन से एक कम, तो एन से एक कम क्या हो जाएगा, एन माइनस वन डी, ठीक है। तो कोई भी टर्म प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ इस कॉन्सेप्ट को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। एनमा टर्म है तो एन माइनस वन डी यानी कि इससे एक कम डी, यहाँ हंड्रेडमा टर्म है तो हंड्रेड से एक कम डी ऐड करना पड़ेगा ए में, यहाँ फिफ्टीन फिफ्टीमा टर्म है तो फिफ्टी से एक कम डी यानी फोर्टी नाइन डी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से टी एलेवन का दे यानी कि इलेवेंथमा टर्म प्राप्त करो तो ए प्लस या इलेवन है टेन डी, समझ में आया, इससे एक कम तो एन से एक कम क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, एन में से एक कम कर दिए, ठीक है, समझ में आया, एन माइनस वन डी हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 5.2 का, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन को लेते हुए फिर समझने का प्रयास करते हैं, ओके। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 5.2 में करा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द एनथ टर्म ऑफ द एपी। ए एन को एनथ टर्म बोल दिया, ए एन क्या है हमारा एनथ टर्म, ठीक है, टर्म नंबर एनवा टर्म नंबर, ठीक है। तो यहां भी ए क्या है एनवा टर्म, ठीक है। तो टेबल दे दिया है और इस टेबल को हमें फुलफिल करना है, ठीक है। टेबल का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है टेबल में, ठीक है। तो ए दे दिया है ऊपर, देखो फर्स्ट पार्ट में ए दे दिया है सेवन, डी दे दिया है थ्री एंड एन दे दिया है क्या, एन दे दिया है एट। देन पूछ रहा है आगे ए एन पूछ रहा है, ए एन मतलब टी एन, टी एन देखो एन कितना है, एन कितना है भाई, ए एन ही क्या है टी एन है, एन के जगह पर कितना है एट है, यानी कि यहाँ पे एन की जगह कितना रखना है एट, मतलब
एटमा टर्म प्राप्त करना है, हमें कौन से टर्म प्राप्त करना है, एट टर्म प्राप्त करना है, ठीक है। यहाँ एन की वैल्यू कितना है, एट, यानी कि एटमा टर्म प्राप्त करना है हमें, तो यहाँ एन की वैल्यू कितना रखेंगे, एट, तो ये हो जाएगा टी एट। और टी एट ये देखो टी एट है ना, तो हमें टी एट प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस इससे एक कम डी, इससे एक कम यानी कि 7d। समझ में आया बात, अभी जस्ट पहले जो बता रहे थे हम, यहाँ टी एट प्राप्त करना है तो ए में इससे एक कम डी को ऐड कर दो। अब देखो ए तुम्हारा कितना है 7, अब प्लस 7 और डी, डी कितना है 3, ये कितने हो जाएंगे 7 प्लस 7 3 जा 21, ये कितने हो जाएंगे 28, यानी कि ये एनथ टर्म, एटवां टर्म इस सीरीज का जिसका ए 7 हो और डी 3 हो उसका एटवां टर्म कितना आएगा 28 आएगा। निकाल के दिखाएं क्या, चलो निकाल के दिखा दो। देखो ये टी एट कितना आया 28 आया, चलो ए हमारा कितना था 7 था, सीरीज को आगे बढ़ा 7 था, दूसरा टर्म क्या मिल जाएगा हमें, डिफरेंस कितने का, तीन तीन का है, थ्री थ्री का डिफरेंस, थ्री थ्री ऐड करते चले जाएंगे तो 7 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 13, 13 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा भाई 19, 19 में 3 ऐड कर दो 22, 22 में 3 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 25, 25 में 3 ऐड कर दो 28, देखो 28 आया, ये क्या हमारा टर्म है, एटमा टर्म है कि नहीं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म और ये एट टर्म हुआ ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स टर्म, ये सेवन टर्म और ये एट टर्म हो गया कि नहीं, आया कि नहीं, एट टर्म कितना 28, यही पूछा था कि एट टर्म कितना आएगा जिसका ए 7 हो और डी 3 हो, यानी कॉमन डिफरेंस 3 हो, तो एटवां टर्म पूछ रहा था, ए ए एन यानी कि एन के जगह एट दिया यानी कि एटवां टर्म बताओ, तो एटवां टर्म हमारा कॉन्सेप्ट से ए प्लस एटवां टर्म पूछेगा था 7d ऐड करेंगे तो आ गया हमारा 28, ठीक है। ये हमने चेक किया है, अब आगे चेक नहीं करेंगे, आगे केवल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो पार्ट सेकंड में क्या है, ए दे दिया है -18, ए दे दिया है -18 और डी दे दिया है कितना भाई, डी नहीं पता, डी निकालना है और एन दे दिया है 10, एन दे दिया है 10 एंड ए एन दे दिया है 0 यानी कि ए एन यानी कि टी एन, टी एन क्या दे दिया है 0 यानी कि 10th टर्म 0 है, कोई सीरीज होगा जिसका a माइनस 18 है तो 10th टर्म यानी 10th टर्म कितना है 0 है, यहाँ पर n रखेंगे n की वैल्यू तो n कितना है 10 है तो टी 10 यानी कि 10th टर्म क्या है 0 है, ठीक है। तो टी 10th टर्म टी टेंथ टर्म क्या हो जाएगा भाई, ए में कितना ऐड करना है हमें, कौन कितने डी ऐड करना पड़ेगा, 10 है तो 9d ऐड करना पड़ेगा ना, ये हो जाएगा ए प्लस 9d। अब वैल्यू पुट कर दो, देखो टी 10 कितना है हमारा 0, यहाँ पे टी 10 कितना है 0 है तो टी 10 0 रख दो, टी 10 की जगह पे 0 इक्वल टू ए, ए कितना है माइनस 18 प्लस 9 इंटू डी 19, डी का वैल्यू निकालना, इसको सॉल्व कर लो, देखो 18 को इधर लाओ माइनस में 18 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 18 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 9d, अब ये 9 से कट रहा है 9 1 9 9 2 18, डी का वैल्यू कितना आ गया भाई 2, डी हमारा निकल गया 2, ये डी हो गया 2, तो एक सीरीज रहा होगा जिसका 10th टर्म 0 आया उसका कॉमन डिफरेंस कितना था 2 था, इसका भी निकाल के दिखा दे क्या, चलो फर्स्ट टर्म कितना है हमारा माइनस 18,
सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस प्लस टू है, इसमें प्लस टू ऐड करेंगे कितना हो जाएगा माइनस सिक्सटीन, फिर इसमें प्लस टू ऐड करेंगे कितना हो जाएगा माइनस फोर्टीन, फिर इसमें प्लस टू ऐड करेंगे कितना हो जाएगा माइनस ट्वेल्व, फिर इसमें प्लस टू ऐड करेंगे तो माइनस टेन, फिर इसमें प्लस टू ऐड करेंगे तो माइनस एट, फिर प्लस टू करेंगे तो माइनस सिक्स, फिर प्लस टू करेंगे माइनस फोर, फिर प्लस टू करेंगे तो माइनस टू, फिर प्लस टू करेंगे तो जीरो। अब देखो ये टेंथ वाला टर्म जीरो आया कि नहीं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म सेवन टर्म एट टर्म नाइन्थ टर्म और ये टेंथ टर्म, तो टेंथ टर्म कितना था जीरो था। ठीक है, हमने वेरीफाई भी कर लिया। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड में हमारा ए नहीं पता, ए ब्लैंक दे दिया, डी देखो डी कितना है भाई, डी दे दिया है माइनस थ्री एंड एन दे दिया है एटीन, एन दे दिया है एटीन और ये ए एन दे दिया है ए एन, यानी कि एन की वैल्यू कितना है एटीन ना, तो ये टी एटीन दिया हुआ है, कितना कितना दिया है भाई माइनस फाइव दिया, समझ में आया, ये ए एन तो एन की वैल्यू एटीन है तो ए एटीन पूछ रहा है यानी कि टी एटीन कितना दिया हुआ है माइनस फाइव दिया हुआ। ठीक है, हमें निकालना है ए निकालना है तो हमें तो टी एटीन फाइव दिया हुआ है तो देखो फिर से टी एटीन निकालो, तो टी एटीन टी एटीन देखो एटीन थमा टर्म पूछ रहा है तो एटीन थमा टर्म क्या हो जाएगा हमारा एटीन टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस या एटीन से सेवन सेवनटीन डी एड करना पड़ेगा ना हमें, तो ये हो जाएगा सेवनटीन डी ए प्लस सेवनटीन डी, बात समझ में आ रहा होगा ना। अब देखो टी एटीन पता है हमें कितना माइनस फाइव, तो टी एटीन के सामने क्या रख देंगे माइनस फाइव इक्वल टू ए, ए तो पता ही नहीं है भाई, प्लस सेवन सेवनटीन डी, तो सेवनटीन इन टू डी, डी का वैल्यू कितना है माइनस थ्री। अब इसको सॉल्व करो ये क्या हो जाएगा माइनस फाइव इक्वल टू ए और ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ सेवनटीन प्लस में ये माइनस में तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस सेवनटीन थ्री जा फिफ्टी वन। ठीक है, अब फिफ्टी वन इधर आएगा तो माइनस फाइव अब प्लस फिफ्टी वन इक्वल टू क्या हो गया ए बच गया इस साइड। अब देखो प्लस फिफ्टी वन में से माइनस फाइव जाएगा कितना हो जाएगा भाई फोर्टी सिक्स, ये हो गया फोर्टी सिक्स यानी ए का वैल्यू कितना आ गया हमारा फोर्टी सिक्स यानी कि ए हो जाएगा 46। ठीक है, 46 में से 3 3 कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस 3 है तो इसमें से 3 3 घटाते चले जाओ तो 13 समान नंबर पे आओगे तो माइनस 5 मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो आ रहा है कि नहीं नीचे, चलो आ रहा है, समझ में आया, तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। चलो अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। क्या है फोर्थ पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है, पार्ट फोर्थ में ए दिया हुआ है, ए कितना है ए है 18 माइनस 18.9 माइनस 18.9, डी दिया हुआ है डी कितना दिया है 2.5 डी दिया है 2.5 टेबल बना कर दिया हुआ है देखो डी के सामने 2.5 है, फिर n के सामने पता नहीं भाई n नहीं पता और a n दिया हुआ है 3.6 a n दिया हुआ है 3.6 यही a n क्या है t n नहीं a n। अब हमें निकालना क्या भाई n की वैल्यू यानी कि जिसका एक कैसा सीरीज होगा जिसका ए पता है फर्स्ट टर्म पता है कॉमन डिफरेंस पता है तो कह रहा है कि कितने नंबर पे जाएंगे तो ये 3.6 मिल जाएगा यानी कि सीरीज को कितने बार बढ़ाएंगे तो 3.6 मिल जाएगा, कितने नंबर बढ़ाएंगे कितनी बार आगे बढ़ेंगे तो वही स्टेप्स पूछ रहा है कितने स्टेप आगे जाएंगे तो हमें 3.6 मिल जाएगा, कहाँ से शुरू करके यहाँ से शुरू करके। ठीक है, तो हमें ए एन पता है ए एन
पता है, यानी कि टी एन पता है, टी एन पता है। तो टी एन क्या होता है भाई, टी एन क्या होता है, ए प्लस कितने डी, इससे एक कम डी, तो एन है तो एन में से एक कम डी ऐड करेंगे तब टी एन मिल जाएगा ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। अब देखो टी एन, टी एन हमारा कितना है 3.6, तो टी एन के सामने क्या रखेंगे 3.6 इक्वल टू, ए पता है ना, ए देखो कितना -18.9 और प्लस एन माइनस वन, एन तो पता ही नहीं हमें, एन तो निकालना ही है, तो हो जाएगा एन माइनस वन, एन नहीं पता है तो एन के वैल्यू कहां से रखेंगे, नहीं रखेंगे ना, तो एन एन ही रह गया वन। अब डी देखो, डी पता है कितना 2.5, रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो ये बेचारे इधर माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 3.6 पहले से प्लस में, इधर आके हो जाएगा 18.9 प्लस में इक्वल टू, उधर क्या बच गया भाई, ये तो आ गया इस साइड, इधर बच गया एन माइनस वन इंटू 2.5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो अब दोनों को ऐड कर दो, देखो कितना आता है भाई, 9 में 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15, 15 के 5 कैरी 1, 8 और 3 11 और 1 12, 2 कैरी 1, 1 और 1 2, 22.5। अब ये बेचारे इधर मल्टीप्लाई में, इधर हम लाकर डिवाइड में कर सकते हैं 2.5 इक्वल टू, उधर क्या बच गया एन माइनस वन, इस पॉइंट एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट है, एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, पॉइंट दोनों, एक डिजिट के बाद यहाँ भी पॉइंट था, एक डिजिट के बाद यहाँ भी पॉइंट था, तो एक डिजिट के बाद होने की वजह से दोनों में कैंसिल आउट हो गया। अब ये 25 9 जा 225 होता है, अब इधर 9 हो गया 9, ये माइनस वन को इधर ले आओ तो प्लस वन हो जाएगा, उधर एन बच गया, तो कितना हो गया भाई 10 इक्वल टू एन, यानी कि एन इक्वल टू 10, यानी कि एन का वैल्यू हमें मिल गया। 10 स्टेप आगे जाएंगे, यानी कि ए हमारा 18.9 है, इसमें यदि हम कॉमन डिफरेंस 2.5 ऐड करते जाए तो 10वां नंबर पे हमें क्या मिल जाएगा 3.6 मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके चले आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर कर देते हैं, ये देखो 5 पार्ट 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 क्या है भाई, ए दे दिया है 3.5, ए दे दिया है 3.5, डी कुछ दिया है, डी दे दिया है 0, यानी कुछ बड़ी घटी नहीं रहा, एंड एन दे दिया है, एन दे दिया है 105, देन क्या पूछ रहा है भाई, टी एन या ए एन पूछ रहा है, ए एन इक्वल टू क्या होगा, दिख रहा है भैया क्या दिख रहा है, ए तो शुरुआत का नंबर तो दे दिया लेकिन डी कितना है 0 है, डी 0 का मतलब ना तो कुछ बढ़ रहा है ना कुछ घट रहा है, जब इसमें कुछ बढ़ेगा ही नहीं और ना घटेगा तो इसको कितनों बार लिख ले तो यही का यही रहेगा ना, सीरीज तो आगे बढ़ ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि डी क्या है 0, डी डिफरेंस 0 मतलब फर्स्ट टर्म अगर यही है तो हमें चाहे कितना भी आगे लिखे हमें डिफरेंस नहीं रखना है कोई भी नंबर का, यानी कि 3.5 है डिफरेंस 0 रखना है, कुछ बढ़ाना ही नहीं, तो 3.5 ही रहेगा ना, फिर कुछ नहीं बढ़ाना है, 3.5 ही रहेगा ना, तो 105वां नंबर पर जाएंगे, 105वां नंबर पर जाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, कि क्या मिलेगा भाई 3.5 ही मिलेगा, समझ में आया कि नहीं, मींस ये पूछ रहा है T105, तो हम में क्या जानते हैं T105 है, तो A प्लस 105 है कितना 104 डी होगा, इससे एक कम डी ऐड करेंगे ना ए में, करेंगे कि नहीं, अब हमें T105 निकालना है, तो ए हमारा 3.5 है प्लस 104 इनटू डी कितना है 0, 3.5 प्लस 104 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा,
और 3.5 में 0 ऐड करेंगे कितना मिलेगा 3.5, यानी कि T105 मान नंबर पे भी क्या मिलेगा हमें 3.5 ही मिलेगा। ए था 3.5 तो 105 मान नंबर पे भी हमें कितना मिलेगा 3.5, क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं रखना है अगले स्टेप अगले टर्म में। फर्स्ट टर्म जितना है उतना ही, सेकंड टर्म उतना ही, थर्ड टर्म उतना ही, फोर्थ टर्म उतना ही, 100 मार्क टर्म, बिकॉज ऑफ कॉमन डिफरेंस इज 0। कॉमन डिफरेंस कुछ है ही नहीं आगे, कॉमन डिफरेंस 0 का मतलब क्या, कुछ नहीं ऐड करना है हमें, जो फर्स्ट टर्म है वही सारे टर्म हो जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कह रहा है नीचे जो दिया हुआ है सीरीज उसमें करेक्ट चूज करो और जस्टिफाई भी करो कि क्यों तुमने ये चूज किया। चलो क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट फर्स्ट में हमें सीरीज दिया है, एक क्या सीरीज दिया है 30वां यानी कि 30वां टर्म ऑफ एंड द एपी। इतना देखो हमें एपी दिया हुआ है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट, 10 है, 7 है, 4 है, आगे डॉट डॉट डॉट। तो कह रहा है कि T30 कितना है, ये लिखा कि 13th टर्म ऑफ द एपी इतना इज। आगे ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से हमें चूज करना है। ठीक है, तो देखो ये सीरीज हमें दिया हुआ है और T30 निकालना है हमें, क्या निकालना है, 30वां टर्म निकालना है। तो हमें यहां से इस सीरीज से क्या पता चल रहा है, ये फर्स्ट टर्म है कि नहीं हमारा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितने का है, फर्स्ट टर्म हमारा 10 है और डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जब माइनस करता है ना, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करता है तो डिफरेंस मिलता है। ठीक ना, अगला टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस करता है तो अगला टर्म हमारा 7 है माइनस 10 क्या हो जाएगा भाई, 7 में से 10 गया तो -3, यानी कि डी हमारा कितना है -3। हमें निकालना क्या है T30, तो T30 निकालना है। तो ए प्लस या 30 है तो 29D होगा कि नहीं होगा, होगा ना, इससे एक कम डी ऐड करते हैं ए में, 30 टर्म निकालना है तो 29D ऐड करना पड़ेगा। अब देखो हमें यही निकालना है T30, वैल्यू हटाओ, ए कितना भाई 10 है प्लस 29 इनटू डी कितना है, डी का वैल्यू है -3 10। आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो प्लस 29 को -3 से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 29 3 कितना होता है 87। ठीक है, अब ये देखो -87 में से प्लस 10 जाएगा कितना हो जाएगा भाई -77 हो जाएगा। देखो ये किस नंबर पे ऑप्शन है, -77 सी पे, तो ये सी हमारा क्या है सही है। ठीक है, ये हमारा जस्टिफिकेशन है, हमने आंख बंद करके चूज नहीं किया, ये हमारा क्या है जस्टिफिकेशन है। ओके, तो ये हमारा हो गया पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया, पार्ट सेकंड देखें। चलो 2 का पार्ट सेकंड में सीरीज दिया है कितना, 11th टर्म ऑफ द एपी इतना ही, 11th टर्म निकालना है, एक एपी सीरीज दे दिया है, एपी कितना भाई -3 1 - 1/2 आगे 2 डॉट 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 डॉट। तो हमें पूछ रहा है T11 बताओ, T11 क्या है भाई सीरीज से निकालो, यानी कि 11 ये टी फर्स्ट है, T2 है, T3 है, तो T11 कितना होगा। ठीक है, तो हमें A मालूम है ना, ये
ए हमें मालूम है कितना, ए मालूम है -3, यही ना ए है। एंड डी, डी क्या करता है, टी टू में से टी वन को माइनस करता है, दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करता है, तो हमें डी मिलता है। तो टी टू कितना जाएगा, ये टी टू है हमारा -1/2, ठीक है, और ये माइनस, तो माइनस टी वन, टी वन देखो कितना है, टी वन है, फर्स्ट टर्म कितना है हमारा -3, ये बात समझ में आया। टी टू माइनस टी वन दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटाते हैं तो हमें डी मिलता है ना, तो दूसरा टर्म हमारा -1/2 था, -1/2 रखे, ये माइनस यहाँ डाले हैं, और टी वन का वैल्यू -1 है तो -1 रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ देखो -1/2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। अब देखो प्लस थ्री में से -1/2 जाएगा, यानी हाफ जाएगा, 3 में से हाफ जाएगा, कितना बचेगा, 2.5 बचेगा, 2.5 को, 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। देखो +3 में से -1/2 जाएगा, तो 3 में से -1/2 निकल गया तो 2.5 बचेगा, और 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, यानी कि 5 का आधा। ये बात समझ में आया, और नहीं समझ में आता है तो तुम लोग ऐसे कर लेना, -1/2 और ये +3 है तो 3/1 लिख के एलसीएम ले लेना, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 होगा, 2 1 जा 2 तो -1 1 जा -1, ये +1 का डबल करेंगे 2 बार में आएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये +6 में -1 जाएगा, कितना जाएगा, 5/2, ठीक है। ये बच्चों वाली बात हो जाएगी, ये कॉमन सेंस वाली बात हो जाएगी, ठीक है, तो कॉमन सेंस यूज करो, अब तो 10th क्लास में हो, ठीक है, ये बच्चों वाले बात 2-3 क्लास में लोग सीखता है, ठीक है, जैसे इच्छा हो तुम्हारी कर लेना। अब हमें क्या निकालना है, T11 निकालना है ना, T11 निकालना है, तो T11 निकालना है, तो A में कितने D ऐड करेंगे, यहाँ 11 है तो 10 D ऐड करेंगे कि नहीं, A में 10 D ऐड करेंगे, 11 मिल जाएगा हमें, तो T11 निकालना है। A देखो पता होगा, A -3 दिया होगा, तो A हो गया -3 प्लस या 10 इंटू डी, डी कितना निकला, डी निकला 5/2, 5/2 देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में आराम से ये कट जाएगा 5, तो -3 और ये प्लस 5 5 जा 25, और 25 में से -3 जाएगा, कितना बच जाएगा, 22 बच जाएगा। ये देखो 22 किस ऑप्शन में है, 22 है हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन क्यों सही है, बिकॉज जब हमने कैलकुलेशन किया तो T11 था यार 22, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, देखे क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं बिना विलंब किए। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट, कह रहा है पहले 3 का इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग ए पेज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। अब देखो नीचे में जितने भी दिया हुआ है सीरीज है, एपी का सीरीज है, उसमें जो खाली बॉक्स है उसमें कितने नंबर आएंगे वो हमें बताना है। तो पार्ट फर्स्ट में पहला एपी क्या दिया हुआ है, 2, फिर कॉमा खाली बॉक्स है यानी कि सेकंड टर्म पता नहीं है, और अगला टर्म दिया है 26, यानी कि ए तो मालूम है, ठीक है, डी निकालने के लिए हमें इसमें से इतना माइनस इतना करेंगे तभी तो डी निकलेगा, ठीक है, और हमें ये पता है थर्ड नंबर पे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म पता है, ये हमें क्या पता है, थर्ड टर्म पता है, सेकंड टर्म नहीं पता है, और ये फर्स्ट टर्म हमें पता है, ठीक है, तो थर्ड टर्म पता है तो थर्ड टर्म में निकालेंगे, ठीक है। देखो हमें ए पता हो और डिफरेंस पता हो तो आराम से सारे टर्म को निकाल सकते हैं, ए पता हो और डिफरेंस पता हो, कॉमन डिफरेंस, हमें तो डिफरेंस ही नहीं पता है, ठीक है, तो ये देखो थर्ड टर्म पता है, ए पता है,
लास्ट टर्म पता है हमें, ये क्या लास्ट टर्म है हमारा, ये टी थ्री कितना है लास्ट टर्म है, तीसरे तीन ही टर्म तो है इसमें, वन टू थ्री, और थ्री ये तीसरा टर्म है, तो ये क्या लास्ट टर्म ही तो है हमारा। और लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, टी एन बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं, तो टी एन हमारा क्या लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म हमें पता है कितना 26। तो हम फिर से लिखते हैं लास्ट टर्म यानी कि टी एन, तो टी एन क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे n की वैल्यू कितना है 3, यानी कि t 3, n की वैल्यू 3, 1 2 3 तीन ही टर्म है ना इसमें, तो हमें ये पता है तीसरा टर्म कितना 26, तो ये तीसरा टर्म होता क्या भाई a प्लस, ये तीसरा टर्म का है तो 2d हो जाएगा ना, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 2d, और तीसरा टर्म हमें पता है कितना 26, तीसरा टर्म के सामने क्या रख देंगे 26 इक्वल टू ए, ए पता है हमें 2 प्लस 2 इनटू डी 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 कहीं नहीं पता, डी तो निकालना है हमें, डी निकाल लेंगे तो हमें सेकंड टर्म प्राप्त हो मिल जाएगा हमें। अब देखो ये प्लस में 2 है, इधर आगे माइनस में 2 हो जाएगा, 26 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2d, 26 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू 2d, इधर 2 से कट जाएगा 2 अंदर 2 2 12 जा, अब d का वैल्यू कितना आ गया, d की वैल्यू निकल गया 12, और d हमें 12 मिल गया तो फर्स्ट टर्म में d ऐड कर देंगे सेकंड टर्म नहीं मिल जाएगा, हमें निकालना है क्या सेकंड टर्म निकालना है, तो a प्लस यहाँ सेकंड 2 है तो यहाँ 1d ऐड करेंगे ना 1d, तो ये हमारा a कितना है 2, अब प्लस d निकला कितना 12, तो 2 में 12 ऐड कर दे कितना मिल जाएगा 14, यानी कि बॉक्स में कितना आएगा 14, क्यों क्योंकि सेकंड टर्म 14 निकला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट हुआ, किसका पार्ट फर्स्ट हमारा मिला किसका भाई, थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब चलते हैं इसके पार्ट सेकंड पे, थर्ड का पार्ट सेकंड, सॉरी थर्ड लिखा गया क्या, पार्ट सेकंड क्या दिया है, फर्स्ट टर्म ही नहीं पता, पहले बॉक्स आई दे दिया, फिर कॉमा आगे दिया है सेकंड टर्म दे दिया है 13, फिर फोर्थ टर्म बॉक्सा दे दिया है थर्ड टर्म, एंड फोर्थ टर्म दिया है 3 दे दिया। देखो यहाँ पे क्या क्या मालूम नहीं है, फर्स्ट टर्म भी पता नहीं है हमें, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म भी पता नहीं है, फोर्थ टर्म पता है, भैया हमें ना तो ए पता है ना डी पता है, डी कहीं से नहीं निकाल सकते, जस्ट एडजेसेंट वाले को माइनस करते हैं अगले वाले में से पिछले वाले को तो हमें डी मिलता है, कहीं भी हम अगले में से पिछले को नहीं माइनस कर सकते, नहीं कर सकते ना, तो भैया हम डी कैसे निकालेंगे, ना तो ए पता है ना डी पता, लेकिन हमें ये क्या क्या पता है, सेकंड टर्म पता है एंड एक कौन सा टर्म फोर्थ टर्म है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म, और ये हमारा फोर्थ टर्म, तो देखो सेकंड टर्म पता है एंड फोर्थ टर्म पता है, तो जो पता है वही काम करो। देखो टी टू क्या होता है, यानी कि सेकंड टर्म ए में यहाँ 2 है तो 1d ऐड करेंगे ना, a प्लस डी हमारा t2 हो जाएगा, और t2 दिया हुआ है हमारा कितना 13, t2 a प्लस डी होता है, t2 हमारा 13 दिया हुआ है, तो ये लिख सकते हैं ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब देखो t4 हमारा दिया हुआ है, t4 दिया हुआ है कितना भाई, t4 होता क्या है a प्लस, यहाँ 4 है तो 3d ऐड करेंगे ना, a प्लस 3d क्या होगा t4 होगा, और t4 हमारा दिया हुआ कितना 3, इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में से 2 को माइनस कर लें, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को माइनस कर लें, यानी कि ये पूरे में से इस पूरे को माइनस कर दें, तो क्या हो जाएगा a कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ये देखो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल वाले a और d, इसके वेरिएबल है,
तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखो एक टर्म हमारा सेम है ये, तो हम इसको क्या कर देते हैं, क्या करते हैं भाई, कैंसिल आउट करते हैं। तो इसको देखो करो, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, ये क्या हो जाएगा माइनस में, ये क्या हो जाएगा माइनस में, नीचे वाले ये गया काम से, गया ना। अगले स्टेप में करना, यहाँ पे घटाने का काम आगे करना, लिख के हम यहीं पे घटा दिए। अब देखो डी में से -3d जाएगा, कितना हो जाएगा -2d हो जाएगा, बात समझ में आई। एक डी में से 3d घटेगा तो -2d बचेगा, और 13 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 10। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10, डी की वैल्यू कितना है, ये माइनस उस साइड चला जाएगा तो -5 हो जाएगा। देखो यार डी के मल्टीप्लाई में माइनस है, इधर जाके डिवाइड में माइनस होगा, तो डिवाइड में माइनस आता है या मल्टीप्लाई में माइनस आता है तो क्या होता है, चिन्ह बदलता है, इक्वल टू के इस पार से उस पार जाने में, ठीक है। ये माइनस था मल्टीप्लाई के रूप में, तो जाके डिवाइड में हुआ, तो डिवाइड में लिखो या ऊपर लिखो कोई बात, बराबर है, तो -5 हो गया। अब हमें क्या पता चल गया, अब हमें पता चल गया भैया डी, डी पता चल गया। और देखो यहाँ सेकंड टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, हम फर्स्ट टर्म में डी को ऐड करते हैं तो सेकंड टर्म मिलता है, सेकंड टर्म कब मिलता है, जब फर्स्ट टर्म में डी को ऐड करते हैं, सेकंड है तो यहाँ एक डी होगा ना, तो सेकंड टर्म कब मिलता है, जब 1a+d होता है ना, डी की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू 5 पता है, तो सेकंड टर्म भी तो हमारा पता था, या इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो ना डी की वैल्यू। चलो ऐसे करो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सब टू वेरिएबल वाला में क्या करते थे, एक वेरिएबल के वैल्यू निकलता था, इसका पुट कर देते थे इक्वेशन 1 या सेकंड में, तो हमारा सेकंड दूसरा वेरिएबल मिल जाता था ना, लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए प्लस डी इक्वल टू 13, ए प्लस डी, डी कितना है भाई -5, तो -5 लिख दो, ए -5 उस साइड जाएगा, +5 हो जाएगा, तो ए इक्वल टू 13+5 कितना हो जाएगा, 13+5 18, यानी कि ए का वैल्यू निकल गया 18, ए निकल गया 18, ठीक है, ए निकल गया 18, और डी भी हमें पता है। देखो इसमें डी कितना है भाई -5, तो इसमें -5 ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 13, और 13 में -5 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ये 8 मिल जाएगा, 13 में से -5 ऐड करेंगे, 13 में -5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, क्यों, क्योंकि ये थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म हमें निकालना है, तो थर्ड टर्म टी थ्री तो ए प्लस, या 3 है तो 2d होगा। अब देखो ए का वैल्यू हमें मिल चुका है कितना 18, ए का वैल्यू 18 प्लस, तो प्लस 2d, 2 इन टू डी, डी का वैल्यू हमें कितना मिला हुआ था भाई -5, कितना हो जाएगा 18, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो -10 हो जाएगा, 18 में से 10 जाएगा कितना आएगा 8, 8 लिखा है ना T3, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट सेकंड हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, पार्ट 4 देखते हैं, पार्ट थर्ड देखते हैं। चलो थर्ड का पार्ट थर्ड में क्या दिया है भाई, सीरीज 5 यानी कि फर्स्ट टर्म दे दिया है, कॉमा आगे है बक्सा, फिर कॉमा आगे है बक्सा, फिर कॉमा क्या है भाई 9 इंटीजर 1/2, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड ये फोर्थ टर्म, यानी कि ये फोर्थ टर्म हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम 9 इंटीजर 1/2 को हम बचपन में ये मिक्स फ्रैक्शन पढ़ते थे, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं ना, तो 9 2 जा कितना हो जाएगा भाई 9 2 जा 18, 18 में 1 ऐड करेंगे तो 19,
यानी कि ये क्या हो जाएगा, सीरीज, सीरीज हो जाएगा यहाँ पे 19/2। यही हमारा क्या है, T4 है, ये हमारा क्या है, T4, यानी कि फोर टर्म पता है, A पता है। अगर हमें D मालूम होता, अगर हमें D मालूम होता तो A में D को ऐड करेंगे ये मिल जाएगा, और इसमें D को ऐड कर देंगे ये मिल जाएगा ना। यानी कि ये हमें A तो पता है, A पता है 5, एंड T4 पता है कितना, T4 पता है 19/2। आराम से फिर से T4 ही निकाल देंगे तो जो बचा हुआ टर्म है वो हमें मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चलो T4 ही निकालो, तो T4 क्या हो जाएगा, यार 4 है ना, तो A में कितने D ऐड करेंगे, 3D ऐड करेंगे ना, 4 है तो एक इससे कम D ऐड करते हैं A में, तो T4 कितना भाई 19/2 है, इक्वल टू A, A कितना है 5 है, प्लस 3 × D कितना है, D मालूम ही नहीं है, नहीं मालूम है ना, D तो मालूम कर रहा है, तभी तो हमें सेकंड टर्म मिलेगा। चलो ये इधर आ जाएगा माइनस में, 19/2 - 5 हो जाएगा, बट्टा एक मान के काम करना, ठीक है, इक्वल टू इतना। अब एलसीएम ले लो 2 और 1 का, 2 हो जाएगा 2 × 1 = 2, 19 × 1 = 19, माइनस 1 × 2 = 2 से इसको करेंगे 10, ये कितना जाएगा 19 में से 10 जाएगा तो 9, और डिवाइड में ये 3 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेगा इससे, इधर मल्टीप्लाई ग्रुप में, इधर डिवाइड में आ जाएगा ना, डिवाइड में भी आएगा तो नीचे जो डिवाइड में उससे मल्टीप्लाई कर लेगा, तो 3 × 2 = कितना हो जाएगा 6, यानी कि डी हमें मालूम हो गया, डी हमें मालूम हो गया। और जब डी मालूम हो गया तो हम आराम से सेकंड टर्म, थर्ड टर्म सब प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। हमें सेकंड टर्म निकालना है, T2 निकालना है, तो A प्लस या 2 है तो एक डी ऐड करेंगे ना, इससे एक कम डी ऐड करते हैं। अब देखो A, A की वैल्यू हमारा कितना है 5, प्लस D, D की वैल्यू कितना निकला है 9/6, 9/6। अब इसको बट्टा एक मान के एलसीएम ले सकते हो, 6 हो जाएगा, 1 का टेबल 6 बार में, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 30 + 6 = 60, 9 × 1 = 9, ये कितना हो जाएगा 30 + 9, 39/6, ये 2 से काट दो, सॉरी 3 से कटेगा, 3 × 2 = 2 और 3 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा 13, यानी कि मिल गया हमें 13/2, ये सेकंड टर्म हमें क्या मिल गया 13/2। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड टर्म निकाल दिए, अब हमें निकालना है थर्ड टर्म, T3 निकालना है, T3, A प्लस, यहाँ 3 है तो यहाँ 2D ऐड करेंगे, A, A मालूम है हमें 5, तो 5 प्लस, ये देखो 2 और D, 2 × D, D की वैल्यू कितना है भाई 9/6 है, 9/6 है, ये 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = 2, और 3 से ये कट जाएगा, 3 × 3 = 9, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये कितना बचा, 5 + 3 बचा, 5 + 3 कितना आ जाएगा 8, यानी कि थर्ड टर्म हमारा निकल गया 8, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो आंसर एक बार मिला देते हैं, क्वेश्चन 3 का पार्ट थर्ड था, क्वेश्चन 3 का पार्ट थर्ड, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है सेकंड टर्म को, 8 8, तो ये बिल्कुल सही है हमारा, एट ये बिल्कुल सही है, और ये 13/2 है ना, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया, यानी कि 13/2 का मतलब क्या, 13 में 2 से डिवाइड करना, 13 में 2 से डिवाइड करोगे 2 × 6 = 12, एक बचेगा, क्या कैसे लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, ये क्वेश्चन को पहले लिख देते हैं और रिमाइंडर को ऊपर, और जिसे डिवाइड करते हैं उसको नीचे, तो 6 × 1/2, इसको हम लिखेंगे क्या 13/2 को 6 × 1/2, ठीक है, तो यही आंसर दिया 6 × 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो पार्ट 4 भी देखते हैं आसानी से,
कुछ भी नहीं है, बस घुमा फिरा के इधर उधर कर दिया है, वही चीज करना है जो उसने दिया हुआ है। हमें जो टर्म दिया हुआ है वही टर्म निकालो, जो नहीं पता है वाला चीज पता चल जाता है। तो हमारा पार्ट थर्ड हो गया, पार्ट फोर देखते हैं। पार्ट फोर में क्या दिया है, माइनस फोर, फिर कितने बॉक्स दिया भाई, 1 2 3 4, चार को बॉक्स दिया है, 1 2 3 4, और उसका अगला 6 दिया। देखो हमें फर्स्ट टर्म तो पता ही है, पता है फर्स्ट टर्म, डी पता होता तो फर्स्ट में डी को ऐड कर देते हैं तो सेकंड मिल जाता, सेकंड में डी को ऐड कर देंगे थर्ड मिल जाएगा, थर्ड में डी को ऐड कर देंगे फोर्थ मिल जाएगा, फोर्थ में डी को ऐड कर देंगे तो फिफ्थ मिल जाएगा, फिफ्थ में डी को ऐड करेंगे तो सिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें ए पता है कितना है, ए माइनस फोर, और हमें 1 2 3 4 5 6 में सिक्स टर्म, टी सिक्स कितना दिया हुआ है, सिक्स दिया हुआ है, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म है ना, तो सिक्स टर्म कितना दिया हुआ है, सिक्स, तो सिक्स टर्म सिक्स। अब हमें सिक्स टर्म दिया हुआ है, फिर से सिक्स टर्म ही निकालते हैं, तो टी सिक्स क्या होता है, ए प्लस, या सिक्स है तो फाइव डी ऐड करेंगे ना, टी सिक्स दिया हुआ है सिक्स, तो टी सिक्स के सामने सिक्स लिख दो। ए मालूम है हमें, ए है कितना, माइनस फोर प्लस फाइव डी, डी तो मालूम नहीं है, नहीं मालूम है, ये माइनस फोर को इधर ले आओ, सिक्स प्लस फोर उधर क्या हो जाएगा, फाइव डी, सिक्स प्लस फोर कितना हो जाएगा, टेन इक्वल टू फाइव डी, फाइव से ये कट जाएगा, डी का वैल्यू कितना आ गया, टू। अब आराम से टू टू ऐड करते चले जाए इसमें, कर दे भाई सीरीज के लिए, तो अब हमें सेकंड टर्म प्राप्त करना है, सेकंड टर्म टी टू, ए प्लस डी हो जाएगा, टू है तो वन डी ऐड करेंगे, ए हमारा है माइनस फोर, माइनस फोर प्लस डी कितना आया, टू, तो माइनस फोर प्लस टू जाएगा कितना जाएगा, माइनस टू आ जाएगा, यानी कि ये हो गया माइनस टू। अब टी थ्री, ए प्लस या थ्री है तो टू डी ऐड करेंगे, तो ए कितना था हमारा, माइनस फोर प्लस टू इंटू टू इंटू डी, डी कितना आया था हमारा, डी टू आया था, कितना आएगा, माइनस फोर और ए टू टू जा फोर प्लस फोर, माइनस फोर और प्लस फोर कितना आ गया, जीरो, यानी कि इसमें आ जाएगा जीरो। अब आ गई टी थ्री, टी टू था, टी थ्री, टी फोर, टी फोर ए प्लस फोर है तो थ्री डी आएगा, तो ए कितना, माइनस फोर प्लस थ्री का इंटू डी, ये कितना आएगा, माइनस फोर प्लस थ्री टू जा सिक्स, प्लस सिक्स में से माइनस फोर जाएगा कितना जाएगा, प्लस टू, ये आ जाएगा यहाँ प्लस टू, ये बचा टी फाइव, टी फाइव ए प्लस फोर डी हो जाएगा, और ए हमारा माइनस फोर इंटू फोर, और डी, डी कितना, डी है टू, कितना जाएगा, माइनस फोर और फोर टू जा एट, प्लस एट में से माइनस फोर जाएगा कितना बचेगा, प्लस फोर बच जाएगा, प्लस फोर, इसमें डी को ऐड कर देंगे तो फोर और टू कितना हो जाता है, सिक्स हो जाता है कि नहीं, डी हमारा टू था, फोर फिफ्थ में टू ऐड कर देंगे, डी ही तो ऐड करते अगला मिल जाता है ना, तो टू ऐड करेंगे सिक्स हो जाता है। हमारा सीरीज कंप्लीट हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट फोर भी हो गया। अब पार्ट फाइव देखते हैं, और ये क्वेश्चन थ्री का लास्ट पार्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा होगा तो वीडियो को एक दो बार रिमाइंड करना, सारे चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में जान ही नहीं है। चलो, दिया है पार्ट फाइव में, पहले तो बॉक्स ही दे दिया, यानी फर्स्ट टर्म नहीं पता है, सेकंड टर्म दे दिया 38, चलो थर्ड टर्म क्या दिया, बॉक्स, फोर्थ टर्म भी बॉक्स है, एंड फिफ्थ टर्म भी हमारा बॉक्स है, आगे सिक्स टर्म माइनस टू दे दिया, माइनस 22 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, सिक्स टर्म यहाँ पता है, वहां इससे पहले वाला में ए पता था, यहाँ तो ए भी नहीं पता है,
लेकिन यहाँ क्या पता है, टी टू पता है सेकेंड टर्म एंड ये सिक्स टर्म पता है, ठीक है। टी टू पता है तो टी टू पता है तो टी टू होता क्या है, ए प्लस या टू है तो एक डी ऐड करेंगे ना, और टी टू कितना है भाई, ए प्लस डी कितना 38 है, ये टी टू हुआ ना, और टी टू कितना है 38 लिख दिए, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब टी सिक्स पता है हमें, टी सिक्स पता है, टी सिक्स होता क्या भाई, ए प्लस फाइव डी होता है, ए प्लस फाइव डी कितना है वैल्यू -22, ये इक्वेशन सेकंड। अब जब इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लेंगे तो हमारा ये टर्मिनेट हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो लिख दो इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट हमारा है ए प्लस डी इक्वल टू 38 और सेकंड है ए प्लस फाइव डी इक्वल टू -22, ये सब पढ़ चुके हैं, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा ना। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाला सबका चिन्ह क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ये देखो प्लस ए से माइनस ए गया, अब ये माइनस फाइव डी में से प्लस एक डी घटेगा तो माइनस फोर डी बचेगा, बचेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो दोनों प्लस में हो गया, दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, 38 में 22 ऐड करेंगे, ये भी प्लस और ये भी प्लस में हो गया 60, ये 4 से कट जाएगा 15 फोर जा और ये माइनस इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -15, यानी कि डी का वैल्यू मिल गया हमें कितना -15 मिल गया। अब डी मिल गया तो आराम से सारे टर्म निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं भैया, निकाल सकते हैं, लेकिन ए नहीं पता, ए पता नहीं है। अब देखो इस डी का वैल्यू, यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक वेरिएबल मिल गया है, इस डी का वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कहीं भी पुट कर दो, हमें ए की वैल्यू मिल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, ए प्लस डी इक्वल टू 38, अब डी की वैल्यू -15 है, ए प्लस -15 इक्वल टू 38, ए -15 को उस साइड ले जाओ +15 हो जाएगा, ए इक्वल टू 38 प्लस 15, 38 में 15 को ऐड कर दो कितना हो जाएगा भाई 53, तो ए मिल गया 53, यानी कि ये हमें मिल गया 53। अब ये हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म पता करना है हमें, यानी कि T3 निकालना है, T3 क्या होता है, ए प्लस 2D हो जाएगा कि नहीं, 3 है तो 2D, और ए हमें पता चल चुका है कितना 53, तो 53 प्लस 2 इंटू डी, डी के वैल्यू कितना था भाई -15, ये था ना -15, ये कितना हो जाएगा 53 और ये प्लस माइनस माइनस ये 30, 53 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 23, तो ये हो गया हमारा 23, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये T4 निकालो तो ए प्लस 3D हो जाएगा, हाँ हो जाएगा कि नहीं, तो ए कितना भाई, ए हमारा था 53 और प्लस 3 इंटू डी कितना था -15, 53 माइनस 15 43, ये कितना हो जाएगा 53 में सर 8, ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। T4 एंड T5 ए प्लस 4D हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ए हमारा है 53 प्लस 4 इंटू डी कितना है -15, ये हो जाएगा 53 माइनस 60, ये कितना हो जाएगा 60 में से 53 जाएगा तो -7, ये हो जाएगा -7, ठीक है। अब -7 में -15 यहाँ पर डी ऐड कर दो तो डी कितना है -15, तो -15 और -7 -22, यानी कि बिल्कुल हमारा
सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट होने के साथ ही वीडियो काफी बड़ा हो गया है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।